दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। दर्शकों, 2 तारीख को विश्व विजय की जो अभूतपूर्व गाथा लिखी गई थी, उसकी सटीक भविष्यवाणी बीसन के ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में पहले ही कर दी गई थी। न्यूज चैनल में दोनों देशों के प्रत्येक खिलाड़ियों के बारे में सटीक भविष्यवाणी की गई थी। हर एक खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेगा, सचिन सहवाग कैसे खेलेंगे, कौन सी टीम आखिरी तक जीतेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब कैसे हो पाया, आइए जानते हैं उन्हीं से जिन्होंने ये सब भविष्यवाणी की थी। हमारे साथ है धर्म ज्योतिष और अध्यात्म के गुरु पंडित दिनेश दादा से। पंडित जी, पहला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि आपने भविष्यवाणी की थी कि 4 मैचों में चूंकि धोनी ने अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया था, बट धोनी अपना विश्व कप के जो फाइनल मुकाबले में धोनी एकमात्र ऐसा प्लेयर होगा जो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाएगा, तो धोनी को सफलता ख्याति मिलेगी, उसके यंग प्लेयर अच्छा खेलेंगे जैसे विराट गंभीर है, तो ऐसे सटीक भविष्यवाणी किस आधार पर की थी आपने? इसमें हमने ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत नियम है जी, उन्हीं का पालन किया। हमने उस दिन की कुंडली निकाली, उस दिन कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उस दिन जैसे शनिवार था तो उसमें शनिवार में शनि का प्रभाव, फिर नक्षत्र थे उस दिन नक्षत्र कौन से नक्षत्र थे, चंद्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे जो कि वो भी शनि से प्रभावित हैं, तो इस प्रकार से हमने उस समय की कुंडली बनाई और उस पर जो प्रत्येक खिलाड़ी हैं उनकी जन्म कुंडली को बैठाया, उससे जो गणनाएं की साधारण गणनाएं ही थी जो हर एक ज्योतिषी जानता है, परंतु मेरा ये मानना है कि ज्ञान तो है अपनी जगह, मगर ज्ञान पर जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है कोई कुछ कह नहीं पाता है। उस दिन माँ सरस्वती शायद मेरी जिह्वा पर बैठी हुई थी, ऊपर वाले की कृपा थी, आप लोगों का विश्वास था, आप लोगों ने भी विश्वास रखा और मैंने उस बात को कह दिया और वो सच सिद्ध हुई। इसमें ऊपर वाले की कृपा है और ज्योतिष शास्त्र के जो ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने गणनाएं की हैं, जिन्होंने इतना रिसर्च किया है, उसी के आधार पर मैंने बोला और वो सब सच सिद्ध हुई। फिर भी एकदम सटीक भविष्यवाणी, जैसे कि हमने बाकी चैनलों में भी मैंने सुबह से देखा था, किसी भी चैनल में जहां तक मेरी बात है तो किसी भी चैनल में इस तरह की सटीक भविष्यवाणी नहीं की गई थी कि भारत ही जीतेगा। आशंका जताई जा रही थी कि धोनी प्रदर्शन कर सकता है, सहवाग कर सकता है, सचिन अपना अर्धशतक पूरा कर सकता है, युवराज कर सकता है, बट इस तरह की सटीक भविष्यवाणी शायद किसी ने नहीं की थी। नहीं, ये इसमें उनके नक्षत्र, उनसे जन्म नक्षत्र कौन से हैं, हमने उनको आधार लिया जी। अब जैसे कि हमने धोनी के बारे में जो उस दिन धोनी का दिन बहुत ही अच्छा था, उस दिन उसे हराना लगभग असंभव था जी। और जहां हम संकारा की कुंडली देखते थे और धोनी की कुंडली देखते थे तो उसमें उस दिन संगकारा काफी पीछे रह जाते थे धोनी से। जैसे हमने धोनी के बारे में कहा था कि इनको ख्याति मिलेगी, उस दिन उनको ख्याति मिलना ही था, और उनके जो जैसे छोटे भाई हों या यंग प्लेयर हों, हमने छोटे भाइयों को यंग प्लेयर ही समझा, तो उसके आधार पर हमने कहा कि उनके वो छोटे भाई उनकी मदद करेंगे, बड़ों से शायद उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो देखा हमने कि जो बड़े खिलाड़ी थे जैसे सचिन वगैरह थे वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उनके लिए जो छोटे भाई हों या उनके यंग प्लेयर हों वो उनके मदद करने वाले थे, तो वो हमने देखा। ये और ये भी देखा कि उस दिन उनकी जो हिम्मत थी अद्वितीय थी, वो जो अपने क्रम से बढ़कर आए ये उनके अंदर की हिम्मत ही थी, उनको अपने आप को प्रूव करना था, इस प्रकार से वो हिम्मत दिखाई उन्होंने। ये भी कुंडली में उस दिन दिख रहा था, उनके मन की अवस्था दिखती है और जिस तरह से वो लीडर थे चूंकि, तो जिस प्रकार से राम ने लंका जीती थी और आखिरी लड़ाई स्वयं लड़ी थी, रावण को आखिरी तीर स्वयं मारा था, उसी प्रकार से धोनी को भी आखिरी लड़ाई स्वयं लड़नी थी, ये इस प्रकार से उनकी कुंडली में उस दिन दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने उसको वैसा कहा कि कैसे वो सिंगल हैंडेडली ले जाएंगे आखिर तक, और लेके गए और अपनी हिम्मत के बल पर ले गए और एट ए टाइम उन्होंने जो अपना मतलब चौथे या तीसरे स्थान पर आते हैं धोनी, तो वो निर्णय भी उन्होंने चेंज कर दिया था। थोड़ा
पीछे आते हैं वो पहले आ गए, मौका दिया उन्होंने, अपने आप को मौका दिया उन्होंने, कहना चाहिए। अब जैसे हमने सचिन के बारे में कहा, तो सचिन की मनोकामना पूर्ण होगी, ये चंद्र की दशा उनकी दिखा रही थी। हाँ। चंद्र जो भ्रमण कर रहे थे सचिन के बारे में, जैसा आपने कहा था कि सचिन भले ही अपना अर्धशतक और शतक जो भी है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन डब्ल्यू सी जीतने की जरूर पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उनके मन की इच्छा जरूर पूरी होनी थी, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होनी थी, परंतु उनका प्रदर्शन जो था वो उतना खास नहीं होने वाला था उस दिन। इसलिए मैंने कहा था कि शायद वो अपना शतक पूरा ना कर पाए। इच्छा तो बहुत थी कि वो अपना महाशतक बना लें, मगर जब तक ग्रह नक्षत्र नहीं चाहेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन है। फिर भी लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि अब तक ही अगर उनके पिछले मैचों की तरफ नजर दौड़ाया जाए तो उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि ऐसा लगा, उम्मीद की जा रही थी कि विश्व कप में वो शतक तो जड़ ही देंगे। इसी को तो वक्त का खेल कहते हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसे हमने दिलशान के बारे में कहा था, दिलशान, अब ये उस दिन हमारे जिह्वा से बात निकल गई कि दिलशान जो है वो वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर रहेंगे। जी बिल्कुल। और वो रहे, जबकि बड़ा कम मार्जिन रहा दिलशान और सचिन में, बड़ा कुछ 15-20 रनों के अंदर का ही मार्जिन था, पर उनका भाग्य प्रबल था, उनको यश मिलना ही था उस दिन। तो ये इस प्रकार से सब कुंडलियों का खेल है, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों का खेल है। अब संकारा की किस्मत बहुत खराब थी। आपने कहा था कि जैसे वो प्लेन वर्क नहीं कर पाएंगे, भ्रमित रहेंगे और उनका भाग्य साथ नहीं देंगे। हाँ, उनका भाग्य उस दिन थोड़ा सा विपरीत था, और वो जो जैसा सोच रहे थे उनके प्लान वर्क करना ही नहीं था। चंद्र उनके साथ में नहीं थे उस दिन, बाकी नक्षत्र की गणना भी करके देखे तो उनके जो सोच थी उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअल में वो जो करने जा रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, भ्रम था उस दिन, भ्रमित थे वो, भ्रमित रहना था। जी बिल्कुल। महिला जयवर्धन के बारे में भी जैसे आपने कहा था कि वो अपना जो आत्मबल है वो बढ़ा लेंगे तो अच्छा खेलेंगे। हाँ, तो उनको मोटिवेशन की जरूरत थी। जी बिल्कुल। तो मोटिवेशन उनको मिला उनकी पत्नी के द्वारा, उनको मोटिवेशन मिला। तो जब व्यक्ति स्वयं को मोटिवेट कर लेता है तो उस दिन उनके लिए सिर्फ मोटिवेशन की आवश्यकता थी, इधर महिला को, और उसी तरह अपने यहाँ पे इनको अपने जो गंभीर थे, गंभीर को भी जरूरत थी। गंभीर को सिर्फ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना था, अगर वो गुस्सा करते तो जरूर आउट हो जाते थे, पर उन्होंने पूरे शांत मन से जो अपने आप को तैयार किया और जिस प्रकार से खेला, इसलिए ज्योतिष शास्त्र का यही चमत्कार होता है कि जो हम उनकी गणनाएं कर लेते हैं, मन की अवस्था को पहचान लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अब मुरलीधरन का जो समय था वो खराब था, वो वैसे भी उनकी चोट तो थी ही, परंतु वो उतना अच्छा प्रदर्शन करने वाले नहीं। जबकि श्रीलंकाई टीम की बात की जाए तो श्रीलंकाई टीम को मुरलीधरन पे बहुत ज्यादा विश्वास था कि मुरलीधरन जो श्रीलंका टीम से हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शायद मुरलीधरन के वजह से ही मतलब श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत सकती थी। पर उस दिन जो था, हाँ। मैं कहता हूँ मुरली से ज्यादा अगर अजंता मेंडिस को खिलाते वो, तो वो शायद बेहतर कुछ कर पाते थे, इससे तो बेहतर करते थे, मुरली से बेहतर करते थे। पर अपने क्या नाम है फर्नांडो को नहीं खिलाया उन्होंने उस दिन, उसका समय अच्छा था। तो कभी कभी चूंकि धोनी की किस्मत अच्छी थी इसलिए संकारा सही निर्णय नहीं ले पाए, सही लोगों को अंदर नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं कोई दबाव रहा होगा, और वक्त का खेल था इसलिए सब उस तरह से होते रहा। जी बिल्कुल। कुलसेकरा का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा, आपने ऐसा कहा था। मैंने बिल्कुल कुलसेकरा का कहा था। हाँ। रणदीप का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहेगा ये कहा था। अब सहवाग के बारे में मैंने कहा था कि अगर उन्हें अच्छा करना है तो उनको कम से कम एक दो लाइफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका भी दिन जो था वो ऑफ डे था, उनके भाग्य उस दिन साथ में नहीं था, इसलिए मैंने कहा था उनको लाइफ की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपन ने देखा कि पहली दूसरी बॉल में उन्होंने उनको आउट हो गए। और जैसा आपने कहा था कि सहवाग जैसा सोचेंगे वैसा नहीं खेल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जैसे युवराज के बारे में कहा था, युवराज बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अब हरभजन को संघर्ष करना ही था उस दिन, उनको उनकी किस्मत उस दिन साथ में नहीं थी उनकी, तो इसलिए उनको संघर्ष करना पड़ा। मुनाफ के लिए मैंने कहा था कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, ये भी कहा था कि मन में शिथिलता ना आने दें, जैसे वो मन से थकेंगे तो आखिरी स्पेल में वो मन से थके तब वो थोड़ा सा खराब खेले, नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जी। विराट कोहली की अगर बात करें तो आपने कहा था कि विराट कोहली जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। मैंने कहा था आपको कि विराट रूप के इक्के साबित होंगे और वो उन्होंने प्रदर्शन कर दिखाया। अब
गौतम गंभीर का तो मैंने बता ही दिया, मानसिक संतुलन हाँ। यदि बनाए रखते हैं तो वो काफी अच्छा खेलेंगे, और चूंकि उन्होंने 97 रन की पारी हाँ। काफी अच्छी खेली और इंडिया को विश्व कप मैच मतलब जिताने के लिए उनका सहयोग सबसे ज्यादा रहा। मैं उसमें जो श्रेय दूंगा वो उनकी मानसिक दृढ़ता को दूंगा। अगर वो उस दिन मानसिक दृढ़ता बनाए रखे, इसकी वजह से वो अच्छा खेल पाए। जैसे जहीर के बारे में मैंने कहा था कि जहीर को संघर्ष करना पड़ेगा, शुरू में तो अच्छा किया उन्होंने मगर आखिर में वे उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। इस चीज का पंडित जी थोड़ा अफसोस रहा कि अगर 3 रन और बना देते तो शायद शतक जमा लेते और विश्व कप का ये पहला शतक होता उनका। अब ये सब भाग्य की बातें जी, बिल्कुल। अभी जैसे आज से 15-20 दिन पहले ही चैनल में बैठकर बातचीत हुई थी, उस समय कहा गया था कि कौन जीतेगा, तो चूंकि सब गणनाओं के आधार पर ही मैंने कहा था कि उस दिन शनि महाराज का बड़ा विशेष दिन है, प्रभावी जो है पूरे कंट्रोल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए उस दिन कह दिया था मैंने कि नीली जर्सी वाली ही टीम जीतेगी। तो और ये भी कह दिया था कि फाइनल में श्रीलंका और इंडिया ही पहुंचेंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में भी कहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगी। तो इसमें श्रेय तो मैं सबसे ज्यादा ईश्वर का देता हूँ कि उसने मेरी जिह्वा का मान रखा, मेरे कहे हुए को उसने सच कर दिखाया, और ज्योतिष शास्त्र के ऋषि मुनियों को जिनके आशीर्वाद से मैं सब कुछ कह सका, और आप लोगों का विश्वास। मैं तो सबसे बड़ा आप लोगों का विश्वास कि आप लोगों ने मौका दिया कि जिसकी वजह से हम ये सब कर पाए, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के मन में, दर्शकों के मन में ज्योतिष शास्त्र के जो सकारात्मक पहलू हैं उनको मैं रख सका, इसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और क्या कह सकता हूँ जी। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा किस तरह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भविष्य के घर में छुपे रहस्यों का पता लगाया जा सकता है, जीवन की समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। आपके जीवन में घर हो कोई समस्या तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता 493 सुमित अपार्टमेंट, प्रोफेसर कॉलोनी, हनुमान नगर, नागपुर, 9730258786। नमस्कार।